दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं वो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट वो अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड कर रहा है। जैसा कि आप इसको चार्ट पर देख पा रहे हैं, इसका काफी बेहतरीन चार्ट है, इसमें लगातार आप एक अच्छी तेजी देख पाएंगे। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो की फ्लाइट्स जो होती है वही वाली कंपनी है ये। तो दोस्तों हम इसके टारगेट के एनालिसिस वीडियो में लास्ट में करने वाले हैं, अभी चलकर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। 3,233 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 1,24,829 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 17.4 का है, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पे है। इसका जो पी है वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है अभी। लेकिन इसमें दोस्तों आपका जो आरओसी है वो 6.9 का है, एंड आरओई का तो कुछ अता पता ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी पिछले एक साल के हाई लो के बारे में बता दूं तो 1810 रुपए का लो था और 3,342 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों कंपनी के बारे में बता दूं तो ये इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरलाइन ऑपरेटिंग एयरलाइन कंपनी है, और ये 86 डेस्टिनेशंस पर अपनी सर्विसेज देती है, जिसमें आपके 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी शामिल है। और इस समय करंट में इसके पास कुल 262 एयरक्राफ्ट हैं। ये दोस्तों इसका पिछले एक साल का चार्ट है, और पिछले एक साल में भी ये स्टॉक अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स देती आई है, और पिछले 10 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी तेजी से बढ़ा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 3 सालों में काफी ज्यादा कम हो गई है, यहाँ पर एक चिंता का विषय है। बाकी दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है ये एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करती है, जिसमें आपका स्पाइस जेट हुआ, ताल इंटरप्राइजेस, जेट एयरवेज, ग्लोबल वेक्ट्रा जैसी और भी कंपनियां काम करती हैं। इंडिगो के दोस्तों हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 4,910 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 9,295 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 14,933 करोड़ और दिसंबर 2023 में 19,452 करोड़ का। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में इसको माइनस का 627 करोड़ का लॉस हुआ, और दिसंबर 2021 में इसको 128 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, दिसंबर 2022 में इसको 1400 करोड़ का फिर से प्रॉफिट हुआ, और अगर दिसंबर 2023 में बात करें तो कुल इस समय अभी 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स है वो मार्च 2012 में 5,565 करोड़ का था, मार्च 2015 में 13,925 करोड़, मार्च 2018 में 23,021 करोड़, मार्च 2021 में 14,641 करोड़, और अगर करंट में बात करें तो कुल 65,240 करोड़ का है। यानी कि पिछले एक दो सालों में इसमें काफी मैसिव जंप हुआ सेल्स ग्रोथ में। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में जहां 128 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 1304 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 2,242 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में माइनस के 5,830 करोड़ का लॉस, और वहां से इस समय कंपनी 7,190 करोड़ के प्रॉफिट में है। इसके अगर हम CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 18% की रेट से, पिछले 3 सालों में 25% की रेट से, और पिछले 1 साल में 74% की रेट से इसका CAGR बढ़ा है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 1,016 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 3,926 करोड़ का, मार्च 2018 में 2,453 करोड़ का उधार, मार्च 2021 में 29,860 करोड़, और अगर करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो 49,392 करोड़ का उधार इस कंपनी पर अभी भी है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो मार्च 2012 में 3,814 करोड़ का, मार्च 2015 में 10,789 करोड़, मार्च 2018 में 21,129 करोड़, मार्च 2021 में 42,974 करोड़, और सितंबर 2023 तक 72,993 करोड़ का असेट है कंपनी के पास, जो कि देखा जाए तो इसके डेब्ट के मुकाबले में कुछ खास अच्छा असेट है नहीं इसके पास, तो यहाँ पर एक चिंता का विषय है, आप इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में जहां 74.84% पर थी, वहां से काफी ज्यादा घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 63.12% ही रह गई है, कि देखा जाए तो अभी भी 50% से ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी काफी ज्यादा हिस्सेदारी कम करी है तो यहाँ पर शोचनीय है। बाकी FIIs की बात करें तो जहाँ 18.34% पर थे, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी में कुछ खास परिवर्तन किया नहीं है, वो 18.70% पर हैं। DIIs की बात करें तो जहां 4.80% पर थे, इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ा के 14.65% किया है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी की बात करें तो गवर्नमेंट का हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में नहीं था, वो दिसंबर 2023 में 0.07% का हो चुका है, और पब्लिक की हिस्सेदारी की बात करें तो जहां 2.02% पर थे, पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़कर 3.45% पर पहुंच गई है। बाकी दोस्तों आपको कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस बता दूं तो रेवेन्यू में कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, आरओई इसका ठीक ठाक है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन ठीक है, कैपेक्स वर्सेस आरओसी भी काफी अच्छा है, कंपनी पर ऐसी कोई खास लायबिलिटी है नहीं, वर्किंग कैपिटल इसका काफी अच्छा है। लेकिन हाँ, डिप्रिसिएशन इफेक्ट में आपका रिटेल्स की होल्डिंग में से कोई खास दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ
सबसे ज्यादा जो कंसर्न का विषय है वो ये डेप्ट, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है, ये एक सोचनीय विषय है। यहाँ आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद से मंथन करना पड़ेगा कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें या नहीं। बाकी हाँ दोस्तों, अगर हम इसके प्लेज की बात करें तो इसके प्रमोटर्स ने अपना कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अपनी कोई भी पोजीशन में कोई भी हेरा फेरी नहीं करी है। बाकी दोस्तों, आपको इंटरग्लोब एविएशन के तो इसका 60% का मार्केट शेयर है इसके पास डोमेस्टिक पैसेंजर्स में एंड 18% का इसके पास मार्केट शेयर है इंटरनेशनल पैसेंजर्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो पैसेंजर सर्विसेज से 94.1% का इसका रेवेन्यू आता है एंड कार्गो सर्विसेज से 2.9% का। वहीं अगर लोकेशन की बात करें तो इंडिया से ही इसका 76.6% का बिजनेस आता है, 20% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दोस्तों, हम लोग वापस से घूम टहल कर इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई और वहां से इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ के बाद अब ये अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड करने लगेगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस कंपनी की एविएशन सेक्टर में मोनोपोली है, क्योंकि लगभग 60% से भी ज्यादा का बिजनेस ये कंपनी करती है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, एक बार उसमें खुद से भी रिसर्च जरूर करें।